हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो एक ऐसी छोटी सी भूल जो पीरियड्स के फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसी विषय में आज विस्तृत रूप से इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये ऐसे कुछ कारण होते हैं, ऐसी कुछ गलतियाँ होती हैं जो आगे जाकर यूट्रस में हमारे सिस्ट बन जाती हैं या फिर सिस्ट बनने का कारण बनती हैं, हमें पीसीओडी से ग्रसित कर सकती हैं। तो ये सावधानियां जरूर बरतना, बिकॉज अगर आपको पीसीओडी हो गई, आपके यूट्रस के अंदर सिस्ट बनने लग गए, तो कंसीव होना बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाता है। बहुत परेशानी होती है, काफी सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत लॉन्ग टाइम तक आपको जो है प्रेगनेंसी के लिए रुकना पड़ता है और लगातार आपको खर्च भी करने पड़ सकते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। इसीलिए प्रेगनेंसी प्लान करते वक्त अगर आपने पीरियड्स के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड डे इन छोटी सी बात का ध्यान रख लिया, तो कंसीव होना तो आसान हो ही जाएगा, बाद में जाकर के भी आपको यूट्रस से संबंधित ये सारी परेशानियां, हार्मोन से संबंधित गड़बड़ियां बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्चुअली में फ्रेंड्स, होता ये है कि जब महिलाओं को पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्राकृतिक रूप से संरचना महिलाओं के शरीर के अंदर बनाई गई है, जिसमें महिलाओं के शरीर से वो सारी ही गंदगी जो प्रेगनेंसी रुकने नहीं देती है, वो सब कुछ बाहर जाती हैं। साथ ही साथ आपके शरीर का तापमान सही रहे, इसके लिए ओवरहीट को भी ये बिल्कुल मेंटेन कर देती हैं। बाकी कुछ सेल, कुछ टिश्यू होते हैं जिसको भी बाहर निकालना यूट्रस से ज़रूरी होता है, जो लाइव नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पीरियड्स के दौरान होती रहती हैं। इसलिए डे वन, डे टू और डे थ्री हमें कभी भी हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। अगर हम बात करें मेडिकल साइंस की, तो मेडिकल साइंस हो या फिर पश्चिमी सभ्यता हो, इसमें कहीं पे भी इसका व्याख्या नहीं है। बट हमारे जो प्राकृतिक रूप से आयुर्वेद का जितना भी ट्रीटमेंट होता है, जितने भी उपचार होते हैं, इस विधि के दौरान जरूर संक्षिप्त में बताया गया है कि फ्रेंड्स, आपको हेयर वॉश यानी बाल धोने की प्रक्रिया फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड डे यानी तीन दिन जो पहले होते हैं पीरियड्स के, उसमें बाल नहीं धोने चाहिए। इसका कारण क्या होता है, इसके पीछे कौन सी ऐसी खास बातें होती हैं। जब हमारे शरीर का ओवरहीट रिलीज होता रहता है, तब हमारे शरीर का तापमान तुरंत से ठंडा नहीं होना चाहिए। जब हम सर धो लेते हैं, तो हमारा गीला हुआ बाल, हमारे स्काल्स इतने ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं कि इसका इन्वायरमेंटल हमारे फिजिकल स्टेटस पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे शरीर का तापमान सडन घट जाता है, जिसकी वजह से जितने भी शरीर से गंदगी जा रही थी बाहर, जो हमारा ओवरहीट रिलीज हो रहा था, कम हो रहा था, वो बाधित हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में यूट्रस के अंदर कचरा रह सकता है और हमें सिस्ट या फिर पीसीओडी की प्रॉब्लम आगे जाकर फेस करनी पड़ सकती है। इसीलिए कभी भी आप पहले, दूसरे और तीसरे दिन पीरियड्स में बाल को ना धोएं। इसके अलावा चौथे दिन आप अच्छे से हेयर वॉश भी कर सकती हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक अच्छे से शरीर को धो भी सकती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, माना जाता है कि पहला, दूसरा, तीसरा दिन ही सबसे ज़्यादा भारी हैवी ब्लीडिंग का फ्लो जाता है, जिसके अंदर जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं, गंदगियाँ होती हैं, वो सब रिलीज तीन दिनों में हो जाती हैं। तो उसके बाद अगर आप सर धोती हैं, तो इसका कोई भी नकारात्मक आपके शरीर पर प्रभाव नहीं बनेगा और ना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरी बात का ये ध्यान रखना है कि आपको पहले, दूसरे और तीसरे दिन किसी भी तरह का स्पाइसी खाना या फिर तेल वाला खाना नहीं खाना है। आप इस समय जितना सात्विक और जितना अच्छा भोजन घर पे बना हुआ करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छे मात्रा में आपको इसका जो है बेनिफिट और फायदे देखने को मिलेंगे। क्योंकि पीरियड्स के दूसरे दिन ही आपके शरीर के अंदर एग का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये जो कुछ दिन होते हैं पीरियड्स के बाद, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप ये नियम अपना लेती हैं,
तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग आपके कंसीव होने में आपको बहुत कम टाइम लगेंगे और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट और फायदे भी देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं। ऐसे ही तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि आपको डेली आने वाले समय पे वीडियो की जानकारी मिलती रहे। आप चाहें तो इस वीडियो को शेयर और फ्रेंड्स एक लाइक भी कर सकती हैं। तो मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।